हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज किचन। आज हम बनाएंगे यह प्यारी सी टेस्ट में अमेजिंग वाली ये मिक्स वेज। ये रोटी के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर अभी तक आपने उर्मिलाज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। हफ्ते के अंत में ऐसा हो जाता है कि सभी सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच जाती है, तो हमें समझ में नहीं आता कि इन बची हुई सब्जियों का हम क्या करें। जैसे कि एक प्याज, एक टमाटर, एक आलू, एक बैंगन, कुछ मटर के सेंग और कुछ फूल गोभी। तो चलिए, इन सभी सब्जियों को मिलाकर आज हम सबकी पसंदीदा बनने वाली मिक्स वेज बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सभी सब्जियों को लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके लिया है। इन्हें लंबे लंबे टुकड़ों में कट करना ज़रूरी है ताकि ये ज़्यादा ना गले और हर एक सब्ज़ी हमारे मिक्स वेज में उभर कर दिखे। तो हम पहले तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए यहाँ पे मैंने राई ज़ीरा ऑयल में डाला है, वो भून रहे हैं। उसमें थोड़ा कड़ी पत्ता और बारीक किया हुआ लहसुन भी डाला है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे लंबे लंबे कटे हुए यह प्याज। हम यहाँ पे सभी सब्जियाँ एक साथ नहीं डालेंगे। सबसे पहले प्याज को थोड़ा गुलाबी होने तक हमें पकने देना है। अब प्याज गुलाबी तो हो गया है, इसके बाद हम इसमें डालेंगे लंबे लंबे कटे हुए ये आलू। आलू को भी हमें कुछ देर के लिए इसी ऑयल में स्टीम करके लेना है। अगर हम सभी सब्जियाँ एक साथ डालेंगे तो कुछ का पानी इनमें जाएगा और वो अच्छे से स्टीम नहीं होगी। हमारे दोनों आलू और प्याज स्टीम हो गए हैं। अब हम इसमें बची हुई सब्जियाँ एक एक करके ऐड करेंगे। अब इसे भी हम अच्छे से ऑयल में भून लेंगे। एक दो मिनट ऑयल में भूनने से इसमें जो पानी होता है वह उड़ जाएगा और हमारी सब्जियाँ भी कुछ गल जाएगी। इसके बाद हम इसमें लंबा लंबा कटा हुआ बैंगन डालेंगे और बची हुई सब्जियाँ यानी कि मटर और फूल गोभी भी डालेंगे। सबसे अंत में हम इसमें यह टमाटर डालेंगे। टमाटर को अंत में डालने का उद्देश्य यह है कि टमाटर की पानी की वजह से हमारी बाकी सब्जियाँ अच्छे से नहीं पकेगी, इसलिए हमें टमाटर को सबसे अंत में डालना है। पहले हमें एक दो मिनट के लिए इन सभी सब्जियों को ऑयल में भून के लेना है ताकि वह गलने में मदद हो जाए। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करने वाले हैं। मसाले डालने से पहले अभी कुछ देर मैं इसे स्टीम कर लेती हूँ। सबसे पहले हमें कुछ हल्दी पाउडर इसमें डालना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर यह सब्ज़ी ज़्यादा तीखी बनाई जाए तो वह बेहद अच्छी लगती है। इसे और स्पाइसी बनाने के लिए मैंने एक चम्मच गरम मसाला इसमें डाला है और स्वाद के लिए नमक भी इसमें अब मैंने डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और सबसे अंत में इसमें हम सेंगादाने का बूरा यानी भुने हुए सेंगादाने का क्रश डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से सब सब्जियों को मिलाएंगे ताकि ये मसाले और नमक सभी सब्जियों को लग जाए। अंत में हम नमक डालेंगे इसलिए इसे ज़्यादा पानी नहीं छूटेगा और हमारी सब्जियाँ भी सभी खिली खिली रहेगी। इसे पकने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा ही पानी डाला है। अब फिर से एक बार हमें उसे अच्छे से मिला के लेना है और कुछ देर के लिए इसे हमें लो फ्लेम पे पकाना है। इसे अच्छे से पकाने के लिए मैं इस पे ढक्कन डाल के इसे 4-5 मिनट के लिए पका दे लेती हूँ। बीच बीच में हमें इस ढक्कन को निकाल के इसे हिलाना ज़रूरी है ताकि नीचे की सब्जियाँ ऊपर और ऊपर की नीचे हम कर सकें और सभी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएँ। फिर एक बार मैं इसे ढक्कन रख के कुछ देर के लिए और इसे पकने के लिए छोड़ दे दूँगी ताकि इसका सब जो पानी है नीचे वाला वह पकने से उड़ जाए।
आप देख सकते हो हमारी सब्जियां अच्छी तरह से गल गई है और पानी भी उसका कम होते जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने अच्छे से गर्मा गर्म उसके साथ खाने के लिए रोटी भी बनाई है। तो चलिए, मैंने अच्छे से सर्व की है ये हमारी बहुत ही टेस्टी टेम्प्टिंग मिक्स वेज और उसके साथ ये रोटी। तो गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप भी जल्दी से ट्राई कीजिए इस अमेजिंग सब्जी को और सब्सक्राइब कीजिए उर्मिलाज किचन को। बाय।